को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजातरीन खबरें। पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना ग्रस्त मरीजों का आंकड़ा 138 तक पहुंच चुका है। कोरोना के कुल नए 8 मामले सामने आए हैं। वर्तमान में पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना के 92 मरीज भर्ती है, तो वही 41 मरीज अब तक ठीक होकर घर लौटे हैं। सबसे चिंताजनक बात तो ये रही कि पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में एक ही दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस कारण अब कोविड-19 से मृत्यु होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जिस क्षेत्र में नए मरीज सामने आए हैं वे इस प्रकार है। खारघर सेक्टर 34 स्थित साई मन्नत बिल्डिंग के 36 वर्षीय व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। यह व्यक्ति सेबी भवन 2 BKC मुंबई में AGM के तौर पर कार्यरत है। कामोठे सेक्टर 6 शीतलधारा कॉम्प्लेक्स स्थित 23 वर्षीय महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई है। इस महिला के परिवार के 3 व्यक्ति पहले से ही कोरोना संक्रमित है। खारघर सेक्टर 34 सिमरन सफायर सोसाइटी स्थित 34 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये व्यक्ति मुंबई एयरपोर्ट पर CISF सुरक्षा रक्षक के तौर पर कार्यरत है। खारघर सेक्टर 3 स्थित मातोश्री बिल्डिंग के 35 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये व्यक्ति अपोलो अस्पताल में कार्यरत है। कामोठे सेक्टर 34 मानसरोवर कॉम्प्लेक्स स्थित एक ही परिवार की 2 महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई थी, जिसमें से 54 वर्षीय महिला का मृत्यु हो गया है। कामोठे सेक्टर 11 साई कृपा कॉम्प्लेक्स के 70 वर्षीय कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की मृत्यु हुई है। खांदा कॉलोनी सेक्टर 7 श्री गणेश बिल्डिंग स्थित 52 वर्षीय एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिनका निधन हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।